हेलो सर जी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कहाँ? अरे सर यहाँ अपने NH 24 पे गाड़ी का कचूमर बन गया सर। मंत्री जी का लड़का था, बहुत बुरी हालत है उसकी सर, उसको हॉस्पिटल ले गए। और ड्राइवर? सर ड्राइवर कहाँ रुकते हैं, वो तो मौका देखते भाग गया। ठीक है मैं आता हूँ भाई। अरे गाड़ी निकलवा, कांड हो गया सर, एक्सीडेंट। अरे तेरी रिपोर्ट राकेश लिख देगा, मैं बोलता हूँ सभी। गौरी बैठा क्या है ना 24 पे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, चल मेरे साथ। जी सर। सर वो एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है, मैं ही वो ट्रक ड्राइवर। तू है? अरे देख के रहा गौरी, पकड़ इसे, मंत्री जी के बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसने। मंत्री जी? सर मुझे नहीं पता वो कौन था, मैं तो भाग के सीधा आपके पास आ गया। हाँ बड़ा सीधा बन रहा है ना तू। अरे सर इन ट्रक ड्राइवरों का यही हाल है, नशे में धुत होके तो गाड़ी चलाते हैं ये, इनका बस चले तो रोड पे सबको उड़ाते हुए चले, और कोई कांड होता है ना सर सबसे पहले भाग खड़े होते हैं ये। सर मैं भागा नहीं था, मैं तो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अबे हमारे पास आने से पहले उस बेचारे की मदद भी तो कर सकता था। अरे ये क्या मदद करेगा सर, इन ट्रक ड्राइवरों को किसी की जान की परवाह कहाँ होती है। परवाह है सर, सर मैं उस लड़के की मदद करना चाहता था, लेकिन उस अनजान भीड़ का क्या करता जो अपनी सारी जिंदगी का गुस्सा मुझ पे निकाल कर मुझे मौत के घाट उतार देते, और मेरी तो शायद कोई मदद भी नहीं करता। सर आपके पास तो ऐसे केस आते होंगे ना। सर आपको पता है एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है, एक छोटी सी इनकम के लिए ना 15-15 दिन तक हम अपने परिवार अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते, और 20-20 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर आपकी जरूरत का सारा सामान देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो लोग भूखे मर जाएंगे, जरूरत की सारी चीजों की सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन हम अपना काम पूरी मेहनत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं। रोड पे चलते हुए इन सभी जिम्मेदारियों के साथ हमारे पास एक और जिम्मेदारी होती है कि हमारी वजह से किसी की जान माल का नुकसान ना हो। अरे कौन किसी की जान लेना चाहता है सर, इंसान तो छोड़िए, अगर बीच सड़क पे किसी जानवर की जान चली जाए ना तो भी हम कई रातों तक सो नहीं पाते, लेकिन हमें किस नजर से देखा जाता है, नशेड़ी गंजेड़ी गवार। मैं मानता हूं सर कि बहुत सारे ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं जो कि बहुत गलत है, लेकिन कुछ ड्राइवर मेरे जैसे भी होते हैं जो कभी नशा नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार मेरा चेकअप करा के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने नशा किया है कि नहीं, लेकिन साथ में उस मंत्री के लड़के का भी ईमानदारी के साथ चेकअप जरूर करवा लीजिएगा सर, क्योंकि जिस तरह से वो हाईवे पे गाड़ी चला रहा था ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो नशे में था, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भीड़ और पुलिस की नजर में गलती किसकी है, मेरी, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं। सर जब भी किसी बस या ट्रक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो गलती सिर्फ ड्राइवर की ही क्यों होती है? अरे हम तो ट्रक के मालिक भी नहीं होते, लेकिन भुगतना किसे पड़ता है हमें? ठीक है सर मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे अभी गिरफ्तार करो और डाल दो जेल में। सर हम ट्रक चलाते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, किसी की जान लेने के लिए गए। गौरी बयान ले ले इसका। जी सर।